बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर बड़ा अटैक किया। मायावती ने कहा कि पिछड़ों का आरक्षण देने पर जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर की बात नहीं मानी, इससे नाराज होकर अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। आज उसी कांग्रेस के लोग आरक्षण की बात करते हैं तो ये ढोंग लगता है। तो बाबा साहब ने उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये कहा कि इनको भी, जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको भी आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए और आपको आर्टिकल 340 के तहत कमीशन बढ़ाकर इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को नहीं माना, जिससे दुखी होकर, और भी कई कारण थे, जिससे दुखी होकर फिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लॉ मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना पड़ा था।